बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। शनिवार को सूबे के कई हिस्सों में धारा 144 में छूट दी गई, जिसका लोगों ने पूरा फायदा भी उठाया। कल बकरीद है और ऐसे में लोग आज प्रशासन से और ज्यादा राहत की उम्मीद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बकरीद से पहले मोबाइल सेवा भी शुरू कर दी जाए। धीरे धीरे जन्नत गुलजार हो रही है, अमन लौट रहा है, रौनक और रंगत लौट रही है। शनिवार को राहत दी गई तो बाजारों में खरीदारों की जबरदस्त चहल पहल रही। लोग ईद के जश्न की तैयारियों में लगे हैं। 7 दिन बाद श्रीनगर के लोगों के हाथों में अखबार पहुंचा है। मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार ईद उल अजहा में मात्र कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन अभी भी कश्मीर में शांति नहीं लौट रही है, पूरी तरह से सन्नाटा है। हम श्रीनगर के लाल चौक में हैं। यहां पर कहा जा रहा है कुछ अखबार निकल रहे हैं, लेकिन अखबार भी खाना पूर्ति के बराबर है। जो 12 पेज या 18 पेज का अखबार है वो मात्र 2 पेज का अखबार है, और उसको भी जुगाड़ करके जो है यहाँ पर कश्मीर में निकाला जा रहा है। जहाँ तक हालात का ताल्लुक है, हम 30 साल से इस पेशे से वाबस्ता हैं, तो आज तक इतने हालात ख़राब हुए, लेकिन आज तक कभी इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। इतने दिनों तक आज तक मोबाइल बंद नहीं हुआ है, आज तक लैंडलाइन बंद नहीं हुआ है। जितनी भी सुविधाएँ एक साहबी के लिए होनी चाहिए वो तमाम काट दी गई है। लेकिन इसी श्रीनगर के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां आज भी खामोशी और वीरानगी है। इस वक्त आज ईद में कुछ ही घंटे बचे हैं, आप किस लिए निकले हैं और कितनी दिक्कतें हुई आपको यहां लाल चौक पहुंचने तक? बहुत दिक्कत निकले, बहुत जुल्म हो रहा है यहां पर, बहुत जुल्म। किस तरह की परेशानियां हो रही है घरों में, आम घरों में? सब लोगों को परेशानी होता है, वो तो देश के लिए, वो तो मेडिकल के लिए, बच्चों के लिए, कुछ बहुत परेशानी यहाँ पर कश्मीर में। अब जरा राजौरी की इस तस्वीर को देखिए, बकरीद के लिए मंडी सजी हुई है, भेड़ और बकरे खरीदे बेचे जा रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ मंडी में रौनक देखने पहुँचे हैं। सुरक्षा बलों की हर हलचल पर पैनी नजर है, जिससे जम्मू कश्मीर की अमन शांति को भंग करने की साजिशों को नाकाम किया जा सके। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी वो तो हटाई गई है, अब लोग काफी अच्छे से घुल मिल के रह रहे हैं, तो काफी मतलब जोश और जज्बा ईद का, लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। शनिवार को पुंछ में धारा 144 में 4 घंटे की छूट दी गई। लोग सीधे बाजारों की ओर दौड़े, कोई राशन की दुकान पर, कोई दवाई की दुकान पर, तो कोई सीधे एटीएम की ओर। उधर लेह लद्दाख में ईद के जश्न का भरपूर जोश देखने को मिल रहा है। 5 दिनों के तनाव के बाद करगिल में भी हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि इंटरनेट की सेवाओं को अभी भी बंद रखा गया है, लेकिन ईद मनाने के लिए लोग दुकानों पर जुटने लगे हैं। ज्यादातर सड़कों पर चहल पहल होने लगी है, दुकानें खुले हुए हैं। सरकार और प्रशासन कोशिश कर रहे हैं कि बकरीद से पहले लोगों को ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाए, जिससे लोग खरीदारी कर सके, एक दूसरे से मिल सके और त्योहार ठीक से मनाया जा सके। कमलजीत संधु के साथ मंजीत नेगी, श्रीनगर आज तक। अब जरा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि यही रिपोर्ट बता रही है कि श्रीनगर के कुछ हिस्सों में हालात सामान्य हो रहे हैं, तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी तनाव बना हुआ है। राहुल गांधी ने हिंसा की खबरों का हवाला देकर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा, तो जम्मू कश्मीर के आईजी ने कहा अभी तक एक भी गोली नहीं चली। जम्मू कश्मीर पे प्रेजेंटेशन किया गया, क्योंकि खबरें आ रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब हो गई है। बहुत जरूरी है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार देश को बताएं कि जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हालत कैसी है, कंट्रोल में है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता को बताना चाहिए। This is to clarify some international media reports regarding a firing incident in the valley. The report is wrong. No such incident has taken place in the valley. The valley has remained largely peaceful over the last 1 week. We'd appreciate media agencies to act responsibly. Latest खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।